घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? इस साल किस किस फिल्म को फिल्म त्रिदेव के अगेंस्ट देखा जाएगा, ये फिल्म कैसे इस साल की सारी फिल्म से अलग होगी, इस फिल्म के स्टार्स की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं 1989 की फिल्म त्रिदेव की सीक्वल फिल्म त्रिदेव 2 की जब बात हुई तभी से लोगों ने इस फिल्म से काफी उम्मीदें बनाई हुई है। कुछ का मानना है कि ये फिल्म उनकी पुरानी यादों को फिर से उजागर कर देने वाली है। आज हम इस फिल्म के साथ साथ इस साल की और भी फिल्म की रिलीज की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमें फिल्म त्रिदेव 2 में एक्टर टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार और एक्टर वरुण धवन के होने की खबर है, सो आज हम उनके आने वाली भी फिल्म्स के बारे में बात करेंगे। जहां इस लिस्ट में हमें सबसे पहले नजर आने वाली है फिल्म गणपत। डायरेक्टर विकास बहल द्वारा डायरेक्टेड फिल्म जिसमें हमें एक्टर टाइगर श्रॉफ, रोहित भुजबल और एक्ट्रेस कृति सनन नजर आने वाली है। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में रिलीज किया जाएगा, जहां हमें एक्टर टाइगर श्रॉफ एक वन मैन आर्मी के रोल में नजर आएंगे। अब अगर इस लिस्ट में हम आगे बढ़े तो हमने नेक्स्ट फिल्म के बारे में पता चला है और इस लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म है हमारे एक्टर टाइगर श्रॉफ की फ्रेंचाइज्ड फिल्म यानी फिल्म हीरो पंती 2 और बागी 4। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों भी मूवीज को जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर देखने को हमें मिलने वाला है, जहां हमें मेन रोल में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ विद एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन फिल्म हीरोपंती, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं आहमद खान। वही फिल्म बागी 4 में एक्टर दिखेंगे अगेंस्ट श्रद्धा कपूर, जिसमें भी हमें आहमद खान का क्रिएशन दिखने वाला है। ना सिर्फ एक्टर टाइगर श्रॉफ इस साल स्क्रीन में छाने वाले हैं, बल्कि हमारे त्रिदेव 2 के एक्सपेक्टेड स्टार अक्षय कुमार भी इस साल ऑडियंस के दिल में राज करते दिखेंगे। जी हाँ, इस एक्टर की नेक्स्ट फिल्म सूर्यवंशी की बात कर रही हूँ। सिंघम सीरीज की इस फिल्म में जिसे हमें डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे रोहित शेट्टी। इतना ही नहीं, इस फिल्म में हमें साथ साथ नजर आएंगे हमारे स्टार अक्षय कुमार और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। हालांकि इस फिल्म में हमें जहां एक्टर अक्षय कुमार एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे, वही कैटरीना कैफ को एक्टर के साथ पेयर अप किया गया है, जहां दोनों मिलकर बुराई पर अच्छाई की जीत लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक इन सारी फिल्मों को अपने लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, जल्द ही इन सारी फिल्मों को अपनी चेकलिस्ट में डालना मत भूलिए। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं।